जल्दी करो भाई। रेडी बहुत मजा आ रहा है। फिनाले के बाद हम लोग सब फर्स्ट टाइम मिले हैं आज तहलका जी की पार्टी में। बिग बॉस चल रहा था तो सब लोग नहीं मिल पाए थे, तो आज सब लोग मिले हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैं तो मेरी ही बात करूंगी, मैंने कहीं कभी किसी से अंदर भी लड़ाई नहीं की, तो मेरे तो सभी से अच्छे रिश्ते हैं। बाकी जो लड़ाई करता था आप उनको पूछो, वो बेटर रहेगा, वो लोग ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेंगे आंसर देने के। अच्छी बात है, उनको फैन ने यहाँ तक लेके आए। बिग बॉस की जर्नी में फैंस का बहुत योगदान रहा है, तो मीटअप होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली से मिली, वो बहुत पर्सनल मीटिंग था इसलिए शायद घर पे गई थी मैं, तो वो चीज़ मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहूँगी। जो मेरा और मुन्ना का रिश्ता है वो पर्सनल है, बहुत पर्सनल लेवल पे है, तो मैं वहीं तक रखना चाहूँगी। बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, जो भी मैंने अभी तक पोस्टर देखा, पता चला अभी 9th February को रिलीज़ हो रहा है टीज़र, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। सबकी अच्छी बात है, सब आगे बढ़ रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड, करना ही चाहिए काम, सबको अच्छे काम कर रहे हैं सब लोग। मुन्ना वेब सीरीज़ भी आ रही है शायद मुन्ना की, तो लेट्स सी, वेट करते हैं। आपके बारे में मतलब हम क्या कर रहे हैं अभी, क्या चल रहे हैं अभी? मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, धीरे धीरे वो भी पता चल जाएगा। मतलब एक धमाका करने वाले लग रहे थे? नहीं नहीं, बहुत धमाके कर लिए अभी नहीं। देखते हैं क्या होता है आगे आगे। वो आप मेरी एस्ट्रोलॉजी अभिषेक और मुन्ना को पूछ लेना, मैंने घर के अंदर ही उनको, एस्ट्रोलॉजर ने तो बहुत एंड में बोला, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, और अभिषेक को बोला था अभिषेक तू ये 15 दिन संभाल ले, स्टार्टिंग वाले तू हीरो बन के बाहर निकला था, अभी मैंने यही बोला, बताया हाँ जिग्ना जी आपने मुझे यही बोला था, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक राइट हैंड था एक लेफ्ट हैंड था, दोनों ही बच्चे आगे बढ़ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। यार देखो अभिषेक और हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो कहीं ना कहीं अब दोस्ती से ज़्यादा है, अभी भाईचारे का है, तो जब अपना घर का कोई फैमिली मेंबर सक्सेसफुल होता है या अच्छा करता है लाइफ में, वी फील गुड, वी फील एक्साइटेड। So what are you asking exactly? Okay, I don't know. That's good, yeah, मुझे पता नहीं इस बारे में, ऐसा कुछ हुआ है, I don't know. Song shoot हुआ था वो पता है, but कहाँ हुआ है वो? No idea. हाँ, song shoot हुआ था ये मालूम। Last question guys, last question. जैसे ही ऐसा कुछ होगा आपको न्यूज़ सबसे पहले मिलेगी। ओके, लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया अभिषेक को, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक ने एक इंटरव्यू में कहा कि आप तो टॉप, मैं तो टॉप 2 में हूँ, आप ये आप तो देखा मतलब आपने देखा वो ओके बट इट्स फनी, वो ही इज अ फ्रेंड एंड वो ऐसी बात है, इट्स एक टीजिंग। चलो थैंक यू मनारा जी, 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 मनारा जी,
पार्टी में बहुत मजा आ रहा है, डबल सेलिब्रेशन है, एक तो बिग बॉस की पार्टी है प्लस हमारा नया गाना सांवरे का पोस्टर लॉन्च हुआ है, सो वेरी मच एक्साइटेड. It's with Desi Music Factory and it's a very prestigious brand. Glad to associate and Bombay, I am loving your vibe. I love you, Bombay. Shoot का experience बहुत ही बढ़िया रहा. चंडीगढ़ गई तो मैं एक भी मिनट हिंदी में नहीं बात करी थी, पंजाबी and full on पंजाबी and बहुत मज़ा आया. ठंड भी बहुत थी. मेरे सारे कजन्स आए मुझे अम्बाला से मिलने जो मेरी नानी का घर है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. और सेट पे भी बहुत मज़ा आया. चाय वाले वीडियो पे सब खूब गाने बजा रहे थे माइक लेके फ़ोन पे रख के एंड बहुत सारे यू नो लोगों से वहाँ पे इंटरेक्शन हुई. फीमेल फैंस छोटे छोटे बच्चे इतने होटल लॉबी में मिले एंड दे वाला एक मनारा दीदी वी लव यू सो थैंक यू सो मच. आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया. अभी पहली बार मैं स्टेप आउट करी थी यू नो इन अ पब्लिक डोमेन आउट ऑफ मुंबई और जो जो प्यार है वो बहुत ओवरवेलमिंग है. सो थैंक यू सो सो मच. सॉन्ग का नाम ही सांवरे है तो ऑफकोर्स सब समझ ही सकते हैं. एंड पोस्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है, बहुत कंपोज करके बनाया है हमने. दोनों के सेम आउटफिट्स हैं एवरी थिंग जो पहला पोस्टर आया है एंड बहुत ही अच्छा गाना है. अखिल सचदेव का गाना है. It was getting released by Desi Music Factory, so yeah, I'm happy. Shoot के मैंने इतनी ठंड में शिफॉन की साड़ी पहनी थी तो मेरे को बहुत ठंड लग रही थी. मुझे अभी बस इतना ही याद है. Okay, गाना कुछ समय बाद ही आ जाएगा. क्या कहना चाहोगे, मतलब कुछ दिनों में आ जाएगा गाना. तो कितने एक्साइटमेंट है, कितना ट्रेंडिंग नंबर वन हो सकता है. Oh my God. और millions, कितने millions होने वाले. 300 मिलियन व्यूज हुए आप सबके मुंह में घी शक्कर एंड आई होप जैसा आप मेरे लिए प्रे कर रहे हैं बिकॉज आप सब हैं मीडिया है तभी मैं हूँ और आप लोग सब मुझे इतनी अच्छी गुड विशेस दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं आप वर्ड्स में नहीं बता पा रही, आपको पता ना कभी कभी मैं बोल नहीं पाती. आई थिंक मैं एयरपोर्ट पे गई तो कहीं पे आ गया था दैट शी इज गोइंग टू एलए कि मैं एलए जा रही हूँ. नहीं नहीं मैं तो अभी इंडिया में ही हूँ, काम करना है मुझे, मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट, मेरी फिल्म भी रिलीज हो रही है. आई डोंट नो, आई हैवंट रियली, आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट. But हाँ मतलब कलर्स एंडमॉल वायोकॉम दे आर लाइक फैमिली तो जब वो बुलाएंगे ऑफकोर्स मेरा जाना बनता है. बट एज ऑफ नाउ मैंने इतना नहीं सोचा बिकॉज मुझे फोबिया बहुत है इन सब चीज़ों का. सो आई थिंक अबाउट इट. अगर आपको आई डोंट नो अबाउट दैट. अभी तो इसके बाद मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है तो आई विल बी बिजी विद दोज प्रमोशंस एंड लेट्स सी जो भी डेस्टिनी में होता है वो तो होके ही रहता है. आई थिंक वी शेयर अ ग्रेट बॉन्ड इन साइड द हाउस एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू आई लव यू ऑल. सोनिया जल्दी निकल गई यार.
ये बिग बॉस के बाद हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। नॉट मोर देन यू ब्यूटीफुल, इंग्लिश सीख के आयो अंदर से मैं। That's Abhishek for you all. अब आपको पता चला हम लाइव कैसे होते हैं, घर के अंदर सोचो कितना मस्ती मारते होंगे और थोड़ा सा लड़ बहुत लड़ रहा है, तो हम सेट पे भी लड़ पड़े थे कल। आप लोग इनका गाना देखें, अभी कितने दिन बाद ये बाहर निकल के आए हैं, कैसा लगा होगा अचानक शूट पे जाना? मतलब आपको दो हफ्ते अंदर आया, कैसा लगा था? मुझे इनफैक्ट मुझे काम आने लगा तो फिर मैं अपने में बिजी हो गई, बट वो इतना लंबा जर्नी करने के बाद कैसा लगा होगा अचानक शूट पे? हम बोट पे सेल करते करते अकेले पहुंच ही गए गाइस, बहुत मजा आया और बहुत लोग आके पूछ रहे थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हम बता नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, निकल रहा बट बहुत अच्छा शूट हुआ, एक्चुअली बहुत अच्छा शूट हुआ है और बहुत ही रोमांटिक है, रोमांस और इनफैक्ट मेरा रियल रोमांस निकल रहा था मेरा मनारा के साथ, तो प्लीज देखना 12 तारीख को प्लीज देखना, 9th को टीजर आ रहा है और 12th को रिलीज हो रहा है। अच्छा ये आपने तीसरी बार पूछा, मुझे लगता है इनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ना, इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता, मनारा से पूछिए, मनारा जा रही है, मनारा जा रही है। ऑलरेडी बिग बॉस के घर में काफी खतरों वाले खिलाड़ी थे जिनको मैं देख रही थी और उनके बीच में से निकल निकल के आगे तक पहुंची, तो अभी थोड़ा मुझे पार्टी करने दो और बाकी पार्टी के बाद बताऊंगी नेक्स्ट। पार्टी के बाद वाइब के बाद बताएगी कि मनारास वाइब जो चल रही है वो खतरों में जाएगी या नहीं। अभी एक खतरे से निकली हूँ यार बिग बॉस की, अभी एपिसोड्स तो देखी हूँ अपने सारे, क्या किया मैंने, सोनिया भी जा सकती है, मैंने तो बता दो कि आप भी फाइनली कौन है, फाइनल जा रही है सोनिया भी है, मनारा भी फाइनल कौन है, देखो पहले मुझे बोल रहे थे कोई भी नहीं, अभी आप तीन तीन नाम जोड़ रहे हो, कहाँ मेरी उपलब्धियाँ कहाँ पहुँच गई, नहीं नहीं सर अभी कोई भी नहीं है, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि मैं इनको डेट कर पाऊँ, इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए हुए हैं। मनारा आप खाली है, आपको मैं पसंद हूँ, मनारा को चाहिए, मनारा को मैं पसंद नहीं हूँ। देखो जो भी मुंडा पंजाबी विच गल करता है मनारा आधी फ्लैट ते वैसे ही हो जाती है, ते ये ता साडा पंजाब दा शेर है, ते कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बोली सेम है, बाकी आपा देख लेंगे, बाकी मैं इना दी मम्मी ना गल कर ली। ओहो माय गॉड, नहीं नहीं की गाना कदों रिलीज होना ओदे बारे, हां की हो गया ना, रवि सर को मैंने बोला था बट आई थिंक वो बॉम्बे में नहीं है, अभी कॉल करता हूँ उनको, आ जाए तो अच्छा। मैं सरगुन जी को वो सेट पे मिला था, कल मैं सरगुन मैम को मिला तो वो भी बहुत खुश थे, तो आ जाए तो अच्छा ही है। जी चलो गाइस थैंक यू, थैंक यू, जो मैं बिग बॉस में रोमांस नहीं कर पाया मैंने बाहर थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू।
वेरी हैप्पी स्टैंड अप कॉमेडी आते के साथ मुझे डालने का मौका मिला और जब भी इतना प्यार आता है ट्रेंड कर रहा था वीडियो तो और भी खुशी है. थैंक यू सो मच. वो स्टेज मेरे लिए हमेशा इतना ऊपर रहा है कि वो कभी नीचे नहीं आता है, तो हमेशा मेरे लिए वो सबसे ऊपर रहा है. तो स्टेज पे जब भी मैं जाता हूँ जैसे मैं पहले दिन स्टेज पे गया था वैसे ही फील होता है. सॉन्ग लॉन्च हो गया, पोस्टर का मैंने नहीं देखा जेन्युइनली. आज मैं थोड़ा ऑफ था सोशल मीडिया, बट मैंने देखा नहीं है, बट अभी जाके मैं पक्का देखूंगा. अभी दिखा ना मेरे पास भी, शायद डिलीट कर दिया मैंने. सच का आ गया पोस्टर. हाँ ब्रो, ओ ब्रो, एक नंबर. ऑल द बेस्ट मेरे भाई को, बहुत ज़्यादा प्यार और बधाइयाँ. और ये गाना मैंने सुना है ऑडियो, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग. अबीरा क्या होता है? अच्छा ये और मनारा. अबीरा कैसे हुआ? अबीरा हो गया भाई. वैसे मुनारा ज्यादा अच्छा लग रहा है. मैंने देखा अभिषेक का और मनारा का वीडियो, दोनों को ऑल द बेस्ट और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं. मुनारा के लिए वेट कर रहे लोग. हाँ तो वेट ही करने दो, वो वेट ही रहेगा. नहीं नहीं, मतलब मैं ऑलरेडी बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस वगैरह है जो ऑलरेडी प्लान्ड है, शूट भी है, तो अब वो देखते हैं कब रिलीज हो रहा है. भाई अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं. इनका यही क्वेश्चन, वही सोचा मैं, मतलब कोई पूछ क्यों नहीं रहे वाला सवाल. जी 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 जी, बना रहे, कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिहर्सल्स भी चालू है, सब कुछ चालू है. तो बस बना रहे, कंटेंट बना रहे ऑडियंस को देने के लिए. बढ़िया वाला. आपने तो बोला गलत अफवाह है. क्लियर. मुनावर आपको मनारा के साथ नहीं देखा जा रहा है बिग बॉस के बाद. आप दोनों कभी फाइट? अभी तो अंदर थे हम लोग, पब्लिकली नहीं देखा जा रहा है. 105 दिन रहने के बाद जब बाहर आते हो, बहुत सारा एक डिफरेंट अटेंशन है, डिफरेंट लोग है, अपॉर्चुनिटीज का काम है, तो आपको ऐसा लगता है कि हम बाहर भी निकले तो मिले. ऐसा नहीं होता हो जाते हैं. सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी, अपना अपना काम कर रहे हैं और वही करते रहना चाहिए. बिजी रहना चाहिए लोगों को. ज़्यादा मिलेंगे तो लड़ाई ही होंगी, बिग बॉस ही बन जाएगा. 105 दिन साथ में थे, अभी नहीं मन करता है एक दूसरे को देखने का. मिलते रहेंगे, इस तरह का कुछ भी शो इवेंट होता है या कुछ भी काम रहा तो मिलते रहेंगे, ऐसा है. बट सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है. अभिषेक तो मुझे, मैं और अभिषेक
दो तीन बार मिलने की कोशिश की बट नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ द शेड्यूल, बट इट्स ऑल चिल। अभिषेक नहीं आ सकता मेरे घर पे क्योंकि इसको क्या है भाई, क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या है, कौन सा फ्लोर है? 40 फ्लोर तो वो नहीं चढ़ पाएगा। The boys reunion. Top three. एक दो विनर है नहीं विनर विनर ने एनआरआई कैटेगरी तीन तीन विनर है अभी और ये किस कैटेगरी में है? मैं विनर कैटेगरी विनर फ्रॉम एलए। Congratulations Munawar, but we are very happy on your success and may you rise and reach moon. एक दिन लड़ाई हो रही थी मसाले वाला सिस्टम था ना, तो ये कह रही थी स्टे अवे फ्रॉम मून, मैंने कहा केड़ा मून है उरे। हाँ हमारे सॉन्ग में था, मैं और अभिषेक गाने के लिए बैठे हैं और वहाँ हम मून को देख के वी आर फीलिंग वेरी रोमांटिक एंड देन प्रोबेबली वी सेड दैट। मैं वैसे भी रोमांटिक फील कर रहा था मना रहा ठीक है और अभिषेक है तो मैं भी रोमांटिक फील ऑलमोस्ट। सांवरे के लिए ऑल द बेस्ट दोनों को, थैंक यू थैंक यू। ठीक है और अब वो सांवरे के बारे में क्वेश्चंस है वो पढ़ा नहीं हो गए वो क्वेश्चन। सांवरे के तो क्वेश्चन हो ही गए हैं सारे। सांवरे इज डन एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। चलो थैंक यू सो मच।